तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और एक दोस्तों, एक रिपोर्ट है और एक बड़ी खबर भी है, और आप सभी के लिए ये खुशखबरी भी हो सकती है। जितने भी हरियाणा में भर्ती अटकी पड़ी हैं या जिस पर प्रोसेस चल रही है या जो भी रिजल्ट आने बाकी हैं, चाहे आप TGT की बात कर लो, ग्रुप सी और डी की बात कर लो, CET के बारे में भी यहाँ पर बातें हो रही हैं, और हरियाणा पुलिस को लेकर भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं। और जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो ये है कि आप सभी को पता है इस साल में चुनाव होने वाला है, लोकसभा का भी चुनाव है और साथ में विधानसभा का भी चुनाव है। अब दोस्तों, जो रिपोर्ट आई, आज खबर आई है, इस खबर ने सरकार को हिला दिया है। वो क्यों हिलाया है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आप सभी को पता है कि आज खट्टर सरकार, जो हमारे CM मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि भर्तियों को लेकर, और लगातार अब आप देख रहे होंगे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं या विपक्ष को लगा लो आप, सभी भर्तियों का मुद्दा उठा रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों, भर्तियां ही जरूरी हैं, भर्तियां ही आपको सरकार की अहम भूमिका निभाती हैं सरकार आने में। आपको 2019 का याद होगा, हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी और ग्रुप डी की भी भर्ती आई थी शायद उस टाइम पे, 2018 में निकाली थी इन्होंने। तो मुख्य रोल रहने वाला है हरियाणा में, सरकार अगर आनी है उनका, खट्टर सरकार का, तो खट्टर सरकार की सरकार आनी है सॉरी, तो इनका भर्तियों का मुख्य रोल होने वाला है। और मैंने इसमें यही लिखा है कि इस खबर ने खट्टर सरकार को किया जल्द भर्ती करने पर मजबूर, और हरियाणा पुलिस ग्रुप डी CET GT CET सभी के लिए बड़ी खबर है। आपकी सभी की भर्ती करना खट्टर सरकार की मजबूरी। देखिए, ये है बड़ी अंदर की जानकारी। तो ये वैसे तो ये खबर सभी ने दे दी होगी आपको, लेकिन ये खबर मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कुछ दिनों से, एक तो खट्टर सरकार लगातार भर्तियों पर, आपको मतलब भर्तियों को ही टारगेट किया जा रहा है ताकि हमें वोट लेने हैं, और ये बोल रहे हैं सिर्फ कि हमने इतनी भर्तियां दी है, लेकिन भर्तियां एक भी नहीं हुई। जो सच है वो यही है, भर्ती कुछ भी नहीं किया है इन्होंने अभी तक। अब जैसे ही इलेक्शन आएगा तो ये सभी होने वाला है, सभी की जितनी भी भर्तियां अटकी पड़ी है, कोर्ट में है, कहीं पर भी है, आप सभी का यहाँ पर मतलब ज्वाइनिंग होनी है, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अब दोस्तों चुनाव का वक्त है, और मैंने यहाँ पर यह भी लिखा है कहीं मेरी सरकार न चली जाए, बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपको एक खबर दिखा देता हूँ पूरी क्या है, ये देखिए आप, अपने सभी ने वैसे तो खबर देख ली होगी, लेकिन एक इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसी के मतलब हरियाणा में बोलते हैं जैसे गोड्डा नवाणा, वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर भी दोस्तों भर्ती की बातें हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो बातों को कितना सीरियस लिया जा रहा है, और ये खबर भी उसी का प्रमाण दे रही है। सरकारी पदों पर भर्तियाँ न होने से माहौल धीरे धीरे सरकार के खिलाफ होता जा रहा है। और एक मैं आपको पूरी खबर ही आपको दिखाऊँगा, सभी के लिए इसमें अपडेट है, चाहे आप हरियाणा पुलिस की बात कर लो, ग्रुप सी की बात कर लो, ग्रुप डी की बात कर लो, TGT की बात कर लो, CET की बात कर लो, सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। और मैं इस जो ये न्यूज़पेपर आना दैनिक सवेरा, बिल्कुल अच्छा अखबार मैं इसको मानता हूँ, एक जो आपके साथ है, मतलब आपकी अब हर एक अपडेट आपको देता है और आपके साथ खड़ा रहता है। और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि पढ़ के कि क्या पूरी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर बताई जा रही है। कलियारे में आजकल यहाँ राजनीतिक घटनाक्रमों की चर्चा हो रही है, वहीं प्रदेश सरकार के पदों पर सरकारी भर्तियां न होने की भी चर्चा हो रही है। अब तो यह राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। प्रदेश सरकार में इस समय 2 लाख से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं, इनमें से हरियाणा कर्मचारी चयनों के पास ग्रुप सी के लगभग 32,000 पद हैं, TGT के 7471 हैं, ग्रुप डी के 13,657 हैं, और प्रक्रिया चली हुई है, मतलब पूरी किसी की भी नहीं हुई है यहाँ पे। अब कुछ दिनों में पुरुष सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस तरह से कुल पद लगभग 60,000 बन जाते हैं। इनमें से 32,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के तहत कुछ ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट तो हो गए हैं, मगर ज़्यादा ग्रुप के लंबित है। इन पदों की भर्तियां अदालत में लटकी पड़ी हैं, ये बिल्कुल सही बात है, जिसका एक आधार पर सामाजिक आर्थिक आधार के अंक
देने की नीति को चुनौती। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंगों का यही आकलन न होने के कारण सिंगल बैच के सीईटी स्कोर रद्द करने के फैसले की अपील लंबित होने, ग्रुप 56 स्थानों का रिजल्ट पर रोक लगने, टीजीटी पदों पर अनुभव, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने और सीटेट को चुनौती देने के कारण रोक लगी हुई है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को परिवार पहचान पत्र के आधार पर दिया जाता है, मगर पीपीपी का डाटा ही सही नहीं है। ग्रुप सीओडी की भर्तियों पर सरकार ने सीईटी कंपलसरी किया हुआ है, इसलिए जब से सीईटी लागू किया है तब से एक भी पद भर्ती नहीं हो पाया है। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों की दोस्तों अब धीरे धीरे मांग भी उठनी शुरू हो गई है कि इस सीईटी को ख़त्म किया जाए। क्या आपकी भी यही राय है? एक बार वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप। गलियारों में चर्चा है कि भर्ती न होने से युवा वर्ग नाराज है। बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भर्तियां रोकने के लिए भर्ती रोको गैंग सक्रिय है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने आपत्ति जताई है। सुरजेवाला का कहना है कि अगर किसी को अदालत में जाने का अधिकार है, गलियारे में कहा जा रहा है कि अदालत में चुनौती तभी दी जाती है जब कोई कमी रह जाती है। गलियारे में साफ कहा जा रहा है कि सीईटी पॉलिसी लागू करते समय अगर सरकार ध्यान देती तो भर्तियाँ फटाफट हो जाती। एक तो दोस्तों इन्होंने ये मामला फंसाया हुआ है, जैसे अतिरिक्त अंक जो दिए जा रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत मामला फंसा हुआ है। शायद इन्होंने ये लागू नहीं करना था। क्या आप इस पक्ष में हैं, ये भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मगर सीटी में ऐसी शर्तें लगा दी कि कई तीन साल से सीटी आधार पर एक भी पद भर्ती नहीं हो पाया है। सीटी हर साल होना था मगर वह एक बार हो पाया है। अब युवा कह रहे हैं कि जो उस सीटी को नहीं दे पाए, बाद में पात्र हो पाए, या जो पहले सीटी फेल हो गए या जिनका स्कोर कम रहा, वे सभी दूसरे सीटी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा न होने से हजारों युवा नाराज़ हैं। इसी तरह पुलिस भर्ती में तो सरकार ने उम्र में 3 साल की छूट दे दी मगर अन्य भर्तियों में नहीं दी। जी दोस्तों, मैंने कल परसों भी आपको ये खबर दी थी कि अगर हरियाणा पुलिस की भर्ती में अगर 3 साल की छूट है तो विद्यार्थियों की वहाँ पर भी मांग है कि सभी भर्तियों में छूट दी जाए। ये भी अब बच्चों ने मांग कर दी है। उन भर्तियों से में भी उम्मीदवार अवरेज हुए हैं, अब वे भी मांग करें कि सभी में हो। जैसे वैसे जब से मुख्यमंत्री मनोहर के मुखिया प्रधान सचिव पद पर राजेश खुल्लर बैठे हैं तब से इन भर्तियों को पूरा करने में तेज़ी आई है। वे खुद समस्या को समझते हैं और उसे फौरी दूर करते हैं। इसका उदाहरण पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट देना। जब उनसे कुछ युवा मिले और मांग रखी तो उन्होंने गृह विभाग से फौरी एजेंडा मंगवाया और ऐसे मंत्रिमंडल से पारित करवाया, मगर कुछ मामलों में उनके फैसले भी धरातल पर नहीं आ पाते। उन्होंने ग्रुप डी की भर्ती 2019 भर्ती में खेल कोटे के उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर दोबारा से बचे पदों के लिए रिजल्ट जारी कराने का फैसला लिया था, मगर लगभग 4 महीने बीत जाने के बावजूद यह लागू नहीं हो पाया है। अब उन्होंने मानव संसाधन विभाग में प्रधान सचिव और एक संयुक्त निदेशक पद पर लगाया है। चूंकि सरकारी भर्तियों के लिए मानव संसाधन विभाग का यही रोल रहता है, इसलिए गलियारे में चर्चा है कि शायद अब भर्तियों में तेज़ी आ जाए। और यही कारण नहीं है, मैं इसको कारण नहीं मानता जो यहाँ पर बताया गया दोस्तों। कारण यही है कि इस साल इलेक्शन होने वाला है। फिलहाल तो भर्तियां न होने से माहौल प्रदेश के सरकार के खिलाफ बन रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि 9.5 साल में 1.06 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां इस सरकार ने दी हैं और 30 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर दिए हैं, मगर उसके इस बयान पर रणदीप सुरजेवाला के समेत विपक्ष नेताओं ने तीखी टिप्पणी की है। दोस्तों, हम नेताओं को नहीं जानते कौन है ये नेता, लेकिन क्या ये बात सही है जो यहाँ पर लास्ट में बोली गई है? मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने दावा किया गया कि हमने 1.6 लाख भर्तियाँ दी है और 30 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं। दोस्तों, क्या इस बात में सच्चाई है और क्या इस सरकार ने वाकई में आपको मतलब रोज़गार दिया है? और जो ये सीटी लागू किया है, या ये सही है या गलत है? और जो ये हरियाणा पुलिस की भर्ती में दोस्तों इन्होंने 3 साल की छूट दी है, सभी भर्तियों में नहीं दी, क्या ये सही किया है या गलत किया है? जो सीटी को लेकर दोस्तों मैन मुद्दा बना हुआ है अब, किसी सीटी को खत्म किया जाए, क्या
क्या ये सही होगा अगर सीटी को ख़त्म किया जाता है, और क्या ये जो अतिरिक्त अंक है क्या ये भी बंद होने चाहिए? आपका क्या कहना है इस सारी खबर पर, और क्या 2024 में सरकार को झटका लग सकता है या सरकार में फेरबदल हो सकता है? इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दे दीजिए कमेंट में। आप सभी की राय यहाँ पर जाननी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अब जो सरकार बनेगी ये सभी सरकारें यही मुद्दा लेकर चली हुई हैं, आप वाला कि जो नौकरियां को मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है। लेकिन दोस्तों इस सरकार ने भर्तियां तो निकाली थी, लेकिन एक भी भर्ती सही ढंग से पूरी नहीं की है। आप पिछले समय में देखा होगा ऐसे ही कि भर्ती ऐसे ही लटकी हुई थी कई दिनों से। हरियाणा पुलिस की जो पुरानी भर्ती है 2019 वाली, वहीं भी वो भी यहीं इसी कारण लटकी पड़ी थी, सरकार के कारण। और क्या आपको लगता है कि 2024 में क्या ये सरकार आएगी या फिर बदल होगा? आप क्या क्या कहना है इस पूरी खबर के बारे में, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सरकार तक पहुंच जाए ऐसी ऐसी जानकारियां, और कुछ आपका भला हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।